हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन माई सेल्फ जितेंद्र सिंह जी सर योर इंग्लिश टीचर टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पोइम रेन ऑन द रूफ सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट द पोइम नेम इज रेन ऑन द रूफ जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रेन वर्षा ऑन द रूफ छत पर वेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्स रेनिंग हैव यू एवर लिसन टू द बेटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ जब आकाश ढक जाता है काले बादलों से और वर्षा शुरू हो जाती है हैव यू एवर लेशन क्या आपने कभी सुना है पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन बरसा के टपकने की आवाज़ को ऑन द रूफ छत पर वाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हेर दिस मेलोडी ऑफ नेचर आपके माइंड में क्या विचार आते हैं जब आप सुनते हो प्रकृति का ये मधुर स्वर या आवाज रीड द पोइम टू फाइंड आउट वाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिस टू द रेन इस कविता को पढ़ो ये पता लगाने के लिए कि कवि के दिमाग में या कवि क्या स्वप्न देखता है जब वह वर्षा को सुनता है सुनाओ कम मेन टेक्स्ट ऑफ द पोइम वैन द रा सेडोस हवा वैन दमेड सैडोज हवा जब हमेड सेडोज मीन्स क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर यानी वाटरी क्लाउड्स होवर मीन्स मराना जब पानी से भरे हुए यानी नम बादल मड़्राते हैं ओवरऑल द स्टारी स्पीयर्स मीन्स स्काई एंड द मेलन कली डार्कनेस मेलन कली मीन्स सैड और डार्कनेस मीन्स क्लाउड जेंटली व्हीप्स इन रेनी टीयर्स वाट अस दिलो ऑफ अटेज चेंबर वेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हैड सो गईस यहाँ फुल स्टेजा का एक्सप्लेन है कि जब नम बादल मॉइस्चर युक्त बादल जब आकाश में मड़र आते हैं एंड मेलन करी डार्कनेस और दुखी आकाश या बादल जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स ऐसा लगता है कि वो रो रहा है यानी जब नम बादल आकाश में मड़ रहते हैं और पानी टपकता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश रो रहा है अ ब्लस टू प्रेस द पिलो कितनी खुशी होती है ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो कितनी खुशी होती है तकिया पर लेटे हुए यानि तकिया को सिर के नीचे दबाए हुए ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बैग अपने चैम्बर के बेड पर यानी अपने कमरे के बेड पर पड़े हुए कितनी खुशी होती है एंड लाई लिसनिंग टू द बैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हैड और कितना आनंद प्राप्त होता है वर्षा को अपने सर के ऊपर टाइल्स पर टकराते हुए आवाज़ सुनकर नेक्स्ट पैसेज गाइस

ऑन द सिंगल मीन्स टाइल्स यानी वर्षा की प्रत्येक बूंद की आवाज़ जो टाइल पर गिरने से होती है, हैज़ एन ईको इन माई हर्ट मेरे हृदय में ईको उत्पन्न कर देती हैं एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फिर मेरे दिमाग में हजारों पुरानी यादें आती हैं इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शनस हज़ारों पुरानी यादें आती हैं वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हवा के धागे से कोई कपड़ा बुना जा रहा है एज ए लेसन टू द बेटर जब मैं उस वर्षा की आवाज़ को सुनता हूँ ऑफ द रेन अपॉन द रूफ छत पर नाउ इन माई मेमोरी नाव इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स अगॉन टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और सी लेफ्ट देम टिल दो आई फील हर फोन लुकिंग ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन तो यहाँ पर कभी बता रहा है कि जब ये वर्षा की बूंदें छत पर टाइल्स से टकराती हैं तो उन पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है उस आवाज़ को सुन करके मेरे मेमोरी में मेरी माँ आ जाती हैं जैसे कि वो बरसों पहले आया करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स हम सभी भाई बहनों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती थी सी लेफ्ट देम टिल द डॉन जब वो सुबह छोड़कर जाती थी और शाम को आकर के मिलती थी ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी मुझे अब भी वर्षा की आवाज़ सुन के उनका वही फॉन्ड लुक प्यार भरा लुक प्रतीत हो रहा है एज आई लिस्ट टू दिसम जब मैं सुन रहा हूँ यह परसा का रिपीटेड साउंड विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स जो आवाज टाइल्स पर टकराने से उत्पन्न हो रही है सो थैंक यू गाइस इट वॉज द हिंदी एक्सप्लेन ऑफ दिस फोईम